अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज हम जबर और अलीफ हरूफ के साथ अलीफ और जबर लगाकर लिखेंगे और बाद वाले हरूफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अलीफ और जबर लगाकर बाद वाले हरूफ को हम लिखते सीखेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, इसी तरह बा अलीफ जबर बा अगर हरूफ लिखा हुआ है और उसी के बाद में तो हमें उसी के बाद वाले हरूफ को लिखना चाहिए, तो कैसे लिखेंगे? इसी तरह ता लिखकर हमें अलीफ और जबर लगाना चाहिए। ता अलीफ जबर ता, इसी तरह उसी के बाद यहाँ पर अगर लिखा है जीम अलीफ जबर जा, तो हमें क्या लिखना चाहिए? यहाँ पर हा अलीफ जबर हा। इसी तरह अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जा, जा अलीफ और जबर लगाकर हरूफ लिखा गया है, जा अलीफ जबर जा, तो हमें खाली जगह के अंदर क्या लिखना चाहिए? जा के बाद सीन, सीन अलीफ जबर सा। इसी तरह आगे के हरूफ को भी हम लिखेंगे। यहाँ पर अगर लिखा हुआ है एन, एन अलीफ जबर आ, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? एन के बाद आता है गैन, लेकिन गैन को अलीफ और जबर लगा कर मिला कर इसी तरह लिखना चाहिए। इसी तरह आगे का हरूफ है शीन अलीफ जबर शा, शीन अलीफ जबर सा लिखा हुआ है, तो हमें क्या लिखना है? सौद अलीफ जबर सा। शीन के बाद सौद आता है, इसीलिए हमें सौद अलीफ जबर सा लिखना होगा। प्यारे बच्चों, इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है दौद अलीफ जबर दा, हमें यहाँ पर तो अलीफ जबर ता लिखना होगा। इसी तरह हम बाद वाले हरूफ को लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है तो अलीफ जबर ता, तो हमें खाली जगह के अंदर जो अलीफ जबर जा लिखना है। इसी तरह आगे का हरूफ है अगर फा अलीफ जबर फा, तो हमें क्या लिखना है? कौफ अलीफ जबर का। इसी तरह यहाँ पर अगर कौफ अलीफ जबर का लिखा हुआ है, तो हमें बाद वाला कौफ के बाद का, हमें यहाँ पर काफ अलीफ जबर का लिखना होगा। जबर भी सही तरीके से लगाना चाहिए। इसी तरह लाम अलीफ जबर ला, अगर यहाँ पर लाम अलीफ जबर ला है, तो हमें क्या लिखना है? लाम के बाद मीम, मीम को अलीफ के साथ मिलाना है और जबर ऊपर लगाना है, मीम अलीफ जबर। इसी तरह मीम अलीफ जबर माँ के बाद यहाँ पर है नून अलीफ जबर ना, तो हम क्या लिखेंगे? नून के बाद वाव, वाव अलीफ जबर वाह। इसी तरह आगे का हरूफ है हम हा अलीफ जबर हा, तो हमें क्या लिखना है? हा के बाद हमजा, हम हमजा लिखेंगे, हमजा अलीफ जबर आ। और अगर यहाँ पर हमजा अलीफ जबर आ लिखा हुआ है, तो हमें क्या लिखना है? हमजा के बाद या, तो हमें यहाँ पर लिखना है या अलीफ जबर या। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर अलीफ और जबर मिलाकर हुरूफ को लिखा। प्यारे बच्चों, अगर बाद में हुरूफ में इसी तरह अगर पूछा जाए, तो हम इसी तरह हुरूफ को लिखेंगे। अगर जबर है तो जबर, पेश है तो पेश, दो जबर हो तो दो जबर, इसी तरह हम सही तरीके से हुरूफ को लिखेंगे। प्यारे बच्चों, हमें हमारी अरबी की नोटबुक में दो पेज भरकर हमें होमवर्क करना है। अगर इसी तरीके की खाली जगह अगर पूछा जाए, तो हम आसानी के साथ हरूफ को लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा आज का सबक और आज का होमवर्क। आगे के सबक में इंशाल्लाह हम नए सबक का रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।